हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग टॉपिक ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में हमने एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इनिशिएशन इलॉन्गेशन ये तीन पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट दैट इज़ टर्मिनेशन टर्मिनेशन मतलब हमने अब ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है तो वो कैसे होएगी स्टॉप तो टर्मिनेशन के लिए सबसे पहले तो बेटा रिक्वायरमेंट होती है टर्मिनेशन कडोन्स की जिनको हम स्टॉप कडोन्स बोलते हैं सो वॉट इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स टर्मिनेशन कडोन्स वो कौन से होते हैं टर्मिनेशन काडोन्स दे आर थ्री टर्मिनेशन काडोन्स यू ए ए यू जी ए जी राइट ये तीन कडोन्स होते हैं अगर तीनों में से कोई भी आ गया तो टर्मिनेशन हो जाएगी ट्रांसलेशन की ओके बट अब प्रोक्रट्स में अगर ये देखो राइट right? मैं आपको बना के दिखाती हूँ डायग्राम। तो अगर सपोज़ करो सपोज़ ऐसा हो कि स्टॉप कोडोन आ गया ट्रांसलेशन में राइट तो फिर क्या होगा ये देखो तो ये ये हमारे पास है राइट राइबोसोम, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे एम आर एन ए एम आर एन ए फ्रॉम फाइव डैश टू थ्री डैश एंड दिस वन इज़ ए साइड दिस इज़ पी साइड दिस इज ई साइड तीन साइड्स हो गई तो कडोन एक सॉरी uh, राइबोसोम एक कडोन आके शिफ्ट हो चुका इलोंगेशन में सारा कुछ हो चुका अब पी साइड पे हमारे पास काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स की ये चेन बनी हुई है अभी है ना ये देखो मैंने बना दी यहाँ पे अब सपोज करो जब कडोन आगे शिफ्ट होगा तो रीडिंग होनी है फ्रेम की तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोज करो आ गया यू ए ए अगर यहाँ पे स्टॉप कडोन आ गया तो अब कोई भी अमीनो एसिड लेकर टी आर एन ए नहीं आएगा अब क्या आएंगे अब आएंगे रिलीज फैक्टर्स राइट टी आर एन ए मिमिकिंग प्रोटीन्स आएंगे उसको मिमिक करने वाले पर एक्चुअली वो टी आर एन ए नहीं होंगे तो वो कौन होते हैं बेटा इन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कौन होते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स में आते हैं होते हैं तीन फैक्टर्स आर एफ वन आर एफ टू एंड आर एफ थ्री ये तीन रिलीज फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं ये तीन रिलीज़ फैक्टर्स होते हैं राइट right? अगर यहाँ पे स्टॉप कडाउन आ जाए तो रिलीज़ फैक्टर्स आएंगे ना कि टी आर एन ए आएगा तो आर एफ़ वन कब आता है आर एफ वन जो होता है वो यू ए जी और यू ए ए के टाइम पे आता है इन दोनों में से अगर कोई भी आ गया ना यहाँ पे एम आर एन ए में तो आर एफ वन आएगा ओके okay? और आर एफ़ टू कब आएगा आर एफ़ टू आएगा जब यू जी एंड यू ए ए आएगा यानी कि यू ए ए के टाइम पे कोई भी आर एफ फैक्टर वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है ओके okay? और जो आर एफ फैक्टर थर्ड होता है वो राइबोसोम्स के यूनिट्स को फ्री कराता है सो इट फ्रीज़ इट रिलीजेज इट रिलीजेज राइबोसोमल सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट को ये क्या कर देगा बेटा फ्री कर देगा ओके okay? राइट right? तो होगा क्या आइदर आर एफ वन और आर एफ टू कोई भी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हमारे पास टॉप कडोन आया है तो वो टर्मिनेशन कराने के लिए आ जाएगा और वो करेगा क्या इट इंड्यूसेज़ पैप्टेडाइल ट्रांसफ्यूरेज इंजाइम तो याद है पैप्टाडेल ट्रांसफ्यज इंजाइम तो अभी भी है उसको इंड्यूस करेगा कि वो ग्रोइंग पे जो पड़ी हुई है वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से काट के कहाँ पे शिफ्ट कर दे दैट ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज शिफ्टेड टू टू अ वाटर मॉलिक्यूल अब वो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को शिफ्ट हो जाएगी रैदर देन अनदर इम्यूनो एसिड क्योंकि वो तो आया ही नहीं वो तो टी आर एन ए लेकर आना था टी आर एन ए तो आया ही नहीं क्योंकि वहाँ पर स्टॉप कडोन आ गया अब तो वहाँ पर टीआर मेकिंग प्रोटीन आ गया राइट right? रैदर देन टू अनदर अमीनो एसिड अब यहाँ पे जो जो चेन है वो वाटर मॉलिक्यूल के पास चली जाएगी तो प्रोकरस में तो कुछ इस तरह से ये तीन फैक्टर्स की हेल्प से टर्मिनेशन होती है लेकिन यू करेट्स में यू करॉट्स में एक ही फैक्टर होता है इन यू करेऑट्स ओनली वन फैक्टर फॉर टर्मिनेशन इज देअर

यानी कि मारा अगला पॉइंट यही है फिफ्थ पॉइंट फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग फ़ोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग्स बेटा देखो अभी हमारी ग्रोइंग चेन बन के निकली है ये देखो ये ग्रोइंग चेन यहाँ से बन के भी निकली है बाहर ये देखो मैंने इनको बाहर शो कर दिया राइट right? बेटा इसको फोल्ड होना पड़ेगा प्रॉपरली इसको फोल्ड होके प्रॉपरली थ्री डी फॉर्म में आना पड़ेगा आपने प्लस वन में प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ी हुई ना क्वाटिनरी स्ट्रक्चर तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में अगर इसको आना है अगर इसको बायोलॉजिकली एक्टिव चीज़ों के लिए काम करना है यानी कि इनको अगर बायोलॉजिकली एक्टिव होना है तो ये नई पॉलीपेप्टाइड को अपनी थ्री फॉर्म में अपने आप को थ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये कैसे होगी कन्वर्ट बाय फोल्डिंग राइट right? क्या कुछ हो सकता है बेटा बहुत चीज़ें जैसे हो सकता है अभी ये देखो फोल्डिंग होने से पहले आफ्टर फोल्डिंग और बिफोर फोल्डिंग चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं आफ्टर एंड बिफोर फोल्डिंग कैसे हो सकता है न्यू पॉलीपेप्टाइड में जो अभी ये बन के आई है न्यू पॉलीपेप्टाइड को प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है प्रोसेस होएगी वो हो सकता है उसमें से एक या दो अमीनो एसिड्स रिमूव हों एसिटाइल ग्रुप ऐड हो मिथाइल ग्रुप ऐड हो कार्बोक्सली ग्रुप या और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ऐड होने हो कुछ किसी सर्टन अमीनो एसिड पे लगाने हो सो so, जो न्यू ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी इट आई रिमूव्स वन अमीनो एसिड और समटाइम्स सम न्यू ग्रुप्स लाइक सी ओ एच ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप राइट या एसीटाइल ग्रुप बेटा इनको हो सकता है किसी अमीनो एसिड पर अटैच भी करना पड़े आर एडिड टू अमीनो एसिड्स ओके तो उनके साथ एड भी करना होगा तो जब रिलीज होती है ना पेप्टाइड दिस इज ओनली हैविंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसकी जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसको कॉयल और फर्दर कॉयल हो के इस और ट्रेश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना होता फाइन राइट right? तो ये थी हमारे पास इसकी फोल्डिंग और पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस ये तो मैंने बात करी थी बेटा जो राइबोसोम्स फ्री पड़े हैं साइटोप्लाज्म में उनकी पॉलीपेप्टाइड को क्या होगा लेकिन जो राइबोसोम्स ईआर आर की मेमब्रीन पे अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे अटैच हैं ये देखो ये तो जो राइबोसोम्स आप देख ही हो ये जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच हैं ईआर की स्ट्रक्चर के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के ऊपर राइट अब उनको अपने प्रोटीन्स को वो क्या करते हैं बेटा अपने प्रोटीन्स को ई आर की ल्यूमन में निकाल देते हैं देखो यहाँ पे ये ई आर की ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर ही वो रिलीज कर देते हैं अपने प्रोटीन्स को फिर वहीं से बेटा उनके प्रोटीन्स क्योंकि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफ़ी नेटवर्क होता है ये ट्यूब्यूल्स का फिर आगे ये वैक्यूल्स होते हैं तो ये जो ई आर के थ्रू प्रोटीन्स जो हैं वो वैक्यूल्स में चले जाते हैं और वैक्यूल्स फिर यहाँ से कहाँ पर जाएंगे वैसिकल्स और वैक्यूल्स कहाँ पर जाएंगे टू गॉल्जी गोलजी प्रटेस के पास जाएंगे मॉडिफ़िकेशन होने के लिए हो सकता है वहाँ पे जाके इनके ऊपर शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएं या एन्ज़ाइम ने इनकी हेलोडिक इंजाइम्स ने इनकी प्रोसेसिंग करनी हो सो कुछ भी हो सकता है सो आफ्टर ई आर यहाँ से जो प्रोटीन्स होंगे वो कहाँ पर जाएंगे गोलजी के पास राइट right? फिर ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स होंगे ये वाले ये सपोज मॉडिफाइड हो गए अब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स होंगे अब ये वेसिकल्स में पैक होकर ऑब्वियसली राइट right? ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे दे आर एक्सपोर्टेड हो सकता है इनमें से कुछ लाइसोसोम्स बना दें राइट सेल वॉल के इन्ज़ाइम्स बन जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है उसके बाद राइट right? तो मैं बता रही थी आपको फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस कि जो अभी पॉलीपेप्टाइड निकलेगी राइबोसोम से उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसको फोल्ड होकर चेंजेस लाकर अपने आप को कन्वर्ट करना होता है प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी और टर्शी स्ट्रक्चर में राइट right? तो बिफोर और आफ्टर फोल्डिंग नई पॉलीपेप्टाइड हो सकता है एंजाइमेटिकली क्लीवेज करे कट लगे उस पर कोई प्रोटोलिटिक कट लगे उस पर नए ग्रुप्स ऐड हों कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऐड हों कोई उसकी ओलिगोसेक्राइड्स ऐड हो जाए उस पर तो ये होने के बाद जाकर वो आ, हम बोलेंगे कि उसकी प्रोसेसिंग हो गई या फिर ये हो सकता है कि जो ई ER आर के ऊपर पड़े होते हैं राइबोसम्स वो अपना प्रोटीन जो है वो ल्यूमन में रिलीज़ करेंगे ल्यूमन फिर ल्यूमन के जो प्रोटीन्स होंगे उनकी मॉडिफिकेशन होएगी उनको गोल्जी के पास भेजा जाएगा मॉडिफिकेशन होने के लिए फिर उनको एक, उनका एक्सपोर्ट होगा तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन बस एक छोटा सा इसके साथ ही टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन on transcription and translation okay basically on translation ki baat karenge hum to first beta mai aapko bata dun ek antibiotic hoti hai erythromycin erythromycin beta ye kya karti hai ye mrna ko translocation होने नहीं देती मतलब ये राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती ओके सो इट इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन तो अगर सोचो हम ये एंटीबायोटिक ले रहे हों और हमारे अंदर बैक्टीरिया के आ, प्रोटीन्स बन रहे हों तो ये लेने से अब प्रोटीन्स बनेंगे नहीं क्योंकि ट्रांसलोकेशन ही नहीं होएगी ओके राइट नेक्स्ट है नियोमाइसिन नियोमाइसिन बेटा क्या करता है इनहिबिट करता है इंट्रैक्शन को इट इनहिबिट इंटरेक्शन किसकी इंटरेक्शन इट इंडिबिटेड इंटरेक्शन ऑफ एम आर टी आर एन ए विद एम आर एन ए ये उसकी इंट्रैक्शन ही नहीं होने देंगे ओके okay. एक और हम एग्जाम्पल करेंगे टेट्रासाइक्लिन बेटा ये भी एक एंटीबायोटिक है जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो क्या करती है जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो ए साइट जहाँ पे नया अमीनो एसिड आना होता है उसको क्या कर देती है बेटा ब्लॉक तो नया जो अमीनोसाइल टी आर एन ए आना होता है वो ए साइड पे ही आना होता है अब वो अमीनोसाइल टी आर एन ए साइड पे नहीं आएगा फाइन तो ये रहा हमारे पास ये टॉपिक दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स और ट्रांसलेशन तो इसी के साथ ही हमारा ट्रांसलेशन वाला टॉपिक होता है कंप्लीट